वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप सभी सेफ हो गए और घर पे अच्छे भी हो गए। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने टेंपल में, यानी कि शिव जी के मंदिर में। तो भाई आज सोमवार है और साथ ही साथ में सावन का पहला सोमवार है। और हमारे साथ में हैं इधर हमारे नंदी जी भी हैं जो, तो यहाँ पे हमारे नंदी जी हैं। सो ये वही हमारे वही मस्त वाले नंदी जी हैं। यहाँ पे किसी को कुछ कह नहीं रहे, तो बच्चे साथ में खेल रहे हैं। हालांकि वो बात नहीं है कि अग्रेशन वाली कोई चीज़ है इनमें, बट फ्रेंडली नेचर के हैं, तो आई डोंट थिंक सो। वैसे सेफ डिस्टेंस पे हैं, तो भाई हमारे किड है तो हमें पता है कि भाई कितने डिस्टेंस पे ये सेफ रहेंगे। सो भाई गलत कमेंट नहीं चाहिए। ये है हमारा जो है, ये हमारा टेंपल है और उधर वो जो है मैम इनको बुला रही हैं। तो भाई फ्रेंडली नेचर है इनका, तो आप समझ सकते हो कि भाई ये मार नहीं रही है। हमारे रील के नंदी जी हैं और ये टेंपल में ही रहते हैं, तो इन्हें खाने की और लोगों में रहने की आदत है, लेकिन भाई भड़क सकते हैं कभी भी। सो इसीलिए भाई सेफ डिस्टेंस पे हम मेंटेन कर रहे हैं। ये भाई माशा इनको रात को नींद पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन शाम को भाई ये सो रहे हैं और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे व्लॉग में आने का। ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहे हैं। तो भाई ये मंदिर है हमारा, तो उधर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चलिए आपको कुछ सिनेमेटिक्स दिखा देता हूँ यहाँ के। ये डॉगी है जो, ये भी वही यहाँ रहता है, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के डॉगी हैं। सो ये अभी माशे सो रहे थे, अभी इनको इंटरेस्ट आ गया है बच्चों के साथ खेलने में। सो पूरा काम है यहाँ पे, शांति है। तो गाइस ये जो है टेंपल का, ये ओल्ड वाला रास्ता है यहाँ पे। भाई जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत ऊंचाई पे था ये, हाइट पे, तो अभी तो ये बिल्कुल बराबर हो गया है। तो ये जो आपको लेक सी दिख रही है ना, तो ये भाई पानी है जो कम ही रहता है वैसे तो। और ये जो पेड़ हैं इससे नीचे नीचे है, ये 4-5 फुट गहरा है, बट अभी पानी ही पानी हो गया है। इतना पानी हालांकि वैसे होता नहीं है जनरली, बट बारिश का पानी है इकट्ठा हो गया है। और भाई हम गलती से इधर आ गए, तो एनीवे हमारे पैदल चलने के लिए तो भाई साहब रास्ता है। अभी गिर जाता मैं तो बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, व्लॉग के चक्कर में नीचे नहीं देखा मैंने, पत्थर के ऊपर पैर आ गया था। सो भाई इधर अपना एंजॉय तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में बारिश भी आ गई है। सो ये वाला जो पार्क है, ये ऑब्वियसली भाई कई बार मैंने शायद दिखाया भी हो आप लोगों को, तो वही पार्क है बस। अभी शाम को फुल ऑन एंजॉय हो रहा है और भाई कैमरे की क्वालिटी इतनी घटिया है क्योंकि सस्ते वाला फ़ोन है, तो वही क्या ही कर सकते हैं। तो अभी घर जाते हैं और अच्छी लाइटिंग होगी तब आपके लिए कुछ अच्छा सा शूट करते हैं, तो घर पर जाके मिलेंगे, ठीक है भाई। वैसे तो बारिश आ रही है लेकिन बहुत सड़ी हुई गर्मी है भाई, बारिश में भी पसीने आ रहे हैं, तो फुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ भाई मैं, तो सर में दर्द हो चुका है। तो इसीलिए अच्छी सी सब्ज़ी लेके आया हूँ मैं, तो मैसेज क्या क्या कर सकते हैं, बीच बीच में ऐसे ही होता है भाई, सस्ते वाले फ़ोन है क्या करें। अब अमीरों वाले व्लॉगिंग कैमरे सेटअप ये वो कहाँ से लाए यार, समझा करो थोड़ा सा। हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी, तो ये आलू है और ये जो है हमारा सोयाबीन है, मंगोड़ी भी बोलते हैं इसको। सो ये अभी इंजॉय चल रहा है और भाई ऐसे मौसम में तो इसमें बारिश तो दिखाई देगी नहीं आपको, तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, बट हल्की हल्की एक दो बूंद आ रही है अंदर। भाई फ़ैन चलाने के बाद भी इतनी गर्मी लग रही थी, पूछा ही मत। और यहाँ पर भी वही हल्की फुल्की ठंड ज़रूर है, मतलब क्या बताऊँ हुमस वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है आज भाई, सब कुछ छोली वोली और परेशान होने वाला है। और आसमान में कुछ दिखाई नहीं देगा भाई, बिकॉज सब कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है। आई होप आज बारिश आ ही जाए, बट उधर का नज़ारा कुछ अच्छा है। तो भाई वो सामने है जो आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा, ये वो वाला मंदिर है जहाँ से अभी अभी हम आए हैं। सो भाई ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो चल रहा है बस एंजॉय, सब्ज़ी एंजॉय कर लेते हैं और क्या करें। तो ये सामने वाले भी भाई कई बारी
क्वेश्चन आते हैं कि आपके सामने क्या है। तो एक्चुअली में ये फैक्ट्री है, दरअसल यहाँ पे कपड़ों की कटिंग होती है। तो जो कोब एलन सोली वगैरह वाले कपड़े होते हैं तो वो थोक में इनसे बनवाते हैं, तो ये स्पेशल फैब्रिक वगैरह डालते हैं, स्पेशल कारीगर हैं इनके। तो बस यही चल रहा है अभी। तो ये है हमारा जो है, ये इधर हनुमान जी का मंदिर है, तो पीसफुल जगह है वैसे टोटली। तो अभी अभी कल वाला भाई जो व्लॉग डाला था, तो अभी अभी वो एडिट किया है। और भाई आपके लिए दोबारा से ये बताने बताने के लिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ा और भाई कूलर भी ऑफ़ करने पड़े। क्या स्ट्रगलिंग लाइफ होती है व्लॉगरों की। मैं तो पहले सोचता था कि भाई यूट्यूब से भाई पैसे आएंगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, भाई मज़े आ जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। बट भाई सच बताऊँ तो जैसे भाई जॉब होती है ना 9 to 5 वाली, वैसे ही इसमें आपको करना है। बट इसमें क्या है कि भाई आपको कोई है ना मालिक नहीं होता, आप खुद की मर्ज़ी के मालिक होते हैं। जब आपका मन करेगा तब आप काम करोगे, नहीं करेगा तो नहीं करोगे। लेकिन मेहनत तो भाई इसमें भी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई व्लॉगिंग है या भाई यूट्यूब है तो इन्जॉयमेंट के लिए ही सभी कुछ है। भाई इन्जॉयमेंट तो है ही, आपको जो चीज़ पसंद है उसी में आप करोगे, लेकिन भाई काम और मेहनत इसमें भी है, स्ट्रगल इसमें भी है। और अगर आपने नया चैनल स्टार्ट किया है तो एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, कि आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग मुझे यहाँ तक पहुँचने में लगभग लगभग 1.5 से 2 साल लग गया है, ठीक है, ये सिर्फ 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर करने में। तो उससे पहले ये मेरी गलती है कि मैं वही वीडियो कंटिन्यू नहीं डालता था, और अभी भी वही कंटिन्यू इतनी स्पीड से नहीं आ पाती जितनी दूसरे यूट्यूबर्स की हैं। तो बट ट्राई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भाई उसमें गेन भी होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और एक चीज़ से चिपके रहना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है तो। भाई गला भी सूख रहा है, बुरी हालत हो रही है, कूलर चला लेता हूँ फटाफट। बारिश भी है, गर्मी भी है, क्या सड़ी हुई बकवास मौसम, कसम से दिमाग ख़राब हो रहा है। जो बारिश होती है ना मानसून वाली, बस वो होती रहे तो अच्छा है भाई। तो लेकिन भाई गर्मी भी और बारिश भी, ये क्या सीन है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ हो रही है। तो लेकिन अब थोड़ा सा हमने कूलर चला लिया जिसकी आपको आवाज़ सुन भी रही होगी, तो भाई अब थोड़ी सी शांति है मुझे। और भाई क्या ही बताएं, अब शाम हो चुकी है और इंटरेस्टिंग अभी कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती थी कि मैं आपको चाउमीन पार्टी अपनी दिखा सकता था, वही हम रोज़ चाउमीन या बर्गर खाते हैं तो उसी फ्रेंड की शॉप पे। भाई आज एक गड़बड़ वाली चीज़ और हो गई, एक दोस्त है तो भाई उसको क्या हुआ कि उसने कोविशील्ड लगवा ली और पहले से थोड़ा सा उसको बुखार था, उसने बताया नहीं, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 104 डिग्री बुखार हो चुका है उसको। तो अगर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कोई आपके आसपास में कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन वैक्सीन करवा रहा हो और उसको पहले ही जुकाम हो बुखार हो, तो उसको मना कर देना कि वो ना लगवाए उसी टाइम पे, क्योंकि भाई इतनी गंदी वाली हालत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि बुखार तो वैसे भी नॉर्मली हो ही जाता है और भाई ऊपर से ऐसा हो जाता है कि भाई आप वैक्सीन और लगवा रहे हो बुखार में। तो 104 डिग्री है, आज बहुत बुरी हालत हो रही थी उसको, भाई मैं दोपहर में लेके गया था। तो बस और क्या ही कर सकते हैं। तो भाई अगर यार दोस्त नहीं है तो भाई अकेले चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ें अच्छी लगती नहीं हैं। तो बस शायद मैं अभी थोड़ी देर में ये व्लॉग एंड करने के बाद वहीं जाऊंगा और जाके बैठूंगा, तो मुझे नहीं लगता आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई एक हैप्पी चीज़ के साथ एक सैड चीज़ भी होती है। काफ़ी सारे व्लॉगर होते हैं जो बस हैप्पी हैप्पी चीज़ अपनी दिखा दी और सैड चीज़ कुछ दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो व्लॉगिंग के साथ जस्टिस करते हैं, क्योंकि